हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मीडिया न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हॉकाई यानी रोनिन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर एंड गेम के पहले ट्रेलर में, जिसमें कि हमें हॉकाई का नया लुक देखने को मिला, जिसे हम जानते हैं रोनिन के नाम से। तो इस कैरेक्टर में हमें बाल कटे नजर आए, एक अलग सी जगह पे नजर आया रोनिन। देन इसके कपड़ों को देखा जाए तो बिल्कुल ही डिफरेंट थे, एक निंजा वॉरियर टाइप का। तो फाइनली इस कैरेक्टर के बारे में पता चला कि एक ये रिवेंज कैरेक्टर है एवेंजर एंड गेम में, और एक रिवेंज कैरेक्टर होता है किसी से बदला लेने वाला। तो पॉसिबिलिटी, जब तक उसे ब्लैक विडो मूवी में ढूंढ ना ले, वो जब तक सब लोगों को मारता ही रहेगा। और फाइनली जब ब्लैक विडो ने उसे ढूंढ लिया कैप्टन के कहने पर, तो फाइनली रोनिन वो बन चुका है अब हॉकाई इस नई फुटेज में। उसके बाल, उसका कॉस्ट्यूम, उसके पास अपने पुराने वेपन भी मिल चुके हैं। तो फाइनली इस इमेज में तही नजर आ रहा है। और देन अगर आप पूछोगे ये कौन सी जगह है, तो बताया ये जा रहा है कि एवेंजर एंड गेम में जब वो रोनिन से हॉकाई में कन्वर्ट हो चुका था, तो फाइनली उसे एक मिशन दिया गया एंटमैन के साथ कि वो कहीं पर जाए और किसी को ढूंढे। तो पॉसिबिलिटी यही बताया जा रहा है कि हॉकाई और एंटमैन एक साथ निकले हुए मिशन पर। आप बात करोगे कि वो रेड कलर की लाइट कौन सी है, तो पॉसिबिलिटी जो रूमर्स आ रहे हैं, तो ये लाइट जो रेड कलर की बताई जा रही है वो है अल्ट्रॉन की। पर ये मैं इस चीज के लिए कंफर्म नहीं हूं। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको जो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर प्रोफेसर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।